गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज ये मैना बुलबुल है, आई थिंक शायद छोटी वाली जो होती है उसका बच्चा है, और इसके पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा जो भी हैं वो आ रहे हैं इसको दाना खिलाने, और ये बार बार इधर से उधर फुदक रही है तो आज पानी लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम आप कितने घंटे अपने टेरेस को डेली देते हैं। तो देखिए मेरा सुबह का रूटीन होता है कि 6 बजे जब बेटा स्कूल चला जाता है तो कोशिश करती हूँ चाय पीने के बाद जस्ट टेरेस पे आऊँ, किचन का काम एक बार क्लीन करके उसके बाद में तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा डेली लगता ही लगता है। देखिए सबसे बड़ा जो काम होता है ना वो होता है ड्राई लीव्स को हटाना। जैसे देखिए मैंने परसों आपके साथ शेयर किया कि पूरा दिन बहुत तेज धूप थी तो कुछ पौधे जो हैं झुलस गए। जैसे कि देखिए ये देख रहे हैं आप, सारी लीव्स येलो हो गई हैं, उधर देखिए कॉलियस की लीव्स येलो हो गई हैं, जिन भी पत्तों में पानी की कमी हुई उनकी पत्तियां इस तरीके से ड्राई हो गई हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करती हूँ कि सारी ड्राई लीव्स को हटा के अपने कंपोस्ट बिन में डालती हूँ। रीजन कि ये सब जो दिखता रहता है ना ये एक बहुत ही जबरदस्त नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है आपके माइंड में, मतलब आप इनको देखकर खुश नहीं होगे। आप लोग अगर मेरे टेरेस को देखते हैं तो आपको हमेशा नीट एंड क्लीन नजर आता है, वो इसीलिए नजर आता है कि मैं रेगुलर इस तरीके की जो ड्राई लीव्स होती हैं इनको हटाती रहती हूँ। सबसे अच्छी जो चीज रहती है, एक तो देखिए आपके पौधे साफ सुथरे रहते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, और जो भी आपका पौधे की एनर्जी ये सूखने वाली पत्तियां ले रही होती हैं वो बंद हो जाती है, जिससे कि सारा का सारा पोषण जो है आपके स्वस्थ पौधे को मिलने लगता है। दूसरा, ये इस तरीके की जो लीव्स होती हैं ये हमेशा जो पेस्ट और इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, और कई बार आपका पौधा आपको पता भी नहीं चलता बीमार हो जाता है, और देखने में तो खराब लगते ही हैं। और तीसरी चीज, जब आप अपने पौधे को देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, उसकी ड्राई लीव्स हटा रहे होते हैं, तो आपको इस तरीके के पेस्ट का भी पता चल जाता है। देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये है मिलीबग, होस्ट प्लांट है ये मिलीबग का, पर्सलेन। हर साल इस पर ये वाला प्रॉब्लम आता है, मैं अगर ध्यान न रखूं तो ये क्या करते हैं, देखिए अभी आप देखेंगे पूरे उस पर बढ़ गया है। कुछ नहीं करूंगी मैं, इसको हटा के पूरा ही हटा दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ये रखा तो ये धीरे धीरे करके देखिए पूरे पौधों पर फैल जाएगा और आपके सारे पौधे फटाफट से खराब हो जाएंगे। और आपको पता है ये कितना जबरदस्त फैल के खराब करता है पौधों को मिलीबग, तो देखते ही आप पता चल जाएगा आप हटा देंगे। एंड जब आप अपने गार्डन में खुद काम करेंगे ना तो आपको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया पूरी एक्सरसाइज खुद ही करती हूँ, पॉट्स इधर से इधर पॉट्स को रखना, झाड़ू लगाना, पत्ते हटाना, तो बेस्ट एक्सरसाइज है। माइंड को भी रिलीफ रहता है, आपकी बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है रूटीन काम करने से पहले, की औरतें जो थी वो इतना स्वस्थ इसीलिए रहती थी घर का पूरा काम करती थी। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा काम खुद कर सकूं वो खुद करूं। हेल्पर आपको पता है मेरे यहाँ सिर्फ एक टाइम आती हैं जो कि मेरी हेल्प करती हैं घर की क्लीनिंग में, बाकी मैं टेरिस का तो पूरा टोटली मैं ही संभालती हूँ, किसी की एंट्रेंस नहीं है, खुद ही करती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है आपके प्लांट्स के साथ जब समय व्यतीत होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, तो ये बेस्ट मेडिटेशन होता है करके। जो लोग करते हैं उनको पता है कि इससे अच्छा मेडिटेशन कुछ नहीं होता। किसी ने मुझे बोला था मैम आपके टेरेस पर हमेशा किसी लेडी की आवाज़ आती है रहती है, तो लेडी की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि साइड में हमेशा, मैंने आपको शेयर किया है कि मेरे पौधे हमेशा मंत्र सुनते हैं, तो मंत्र चलते रहते हैं रेगुलर। जब जितना घंटा भी मैं 1-1.5 घंटा देखिए डेली रहती हूँ टेरेस पर, तो उस टाइम पर पूरे टाइम महामृत्युंजय जाप चलता रहता है, तो उसकी आवाज़ आती रहती है आपको, मेरे साथ कोई लेडी नहीं रहती है। और ये देखिए किसी ने, अभी मैंने बटरफ्लाई के जो फोटोज और वीडियो डाला था उसमें पूछा था मैम ये कौन सा पौधा है, तो ये है मिल्कपीड हल्दी कुमकुम। मेरे पास 2 वैरायटी में है और दोनों मैंने बीज से उगाए हैं। देखिए येलो, ये पूरा येलो है और ये रेड एंड येलो है, तो ये मिल्कपीड है, इजीली प्रोपगेट हो जाता है बीज से या कटिंग से, मुझे नहीं पता, मैंने किया नहीं है, हो ही जाता होगा क्योंकि बाकी पौधे भी हो जाते हैं। तो ये मैंने बीज से उगाया है, इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल, नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है, बीज बटरफ्लाइज को, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगा दीजिए। एसएस तो इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ऑर्गेनिक खाद में लगाइए अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि जरा सा पानी कम हुआ तो देखिए इस तरीके से एक दिन के अंदर इसकी इतनी सारी पत्तियाँ जो है पीली पड़ गई हैं। तो बस पानी इसको भरपूर मात्रा में देते रहिए, लिक्विड फर्टिलाइजर आपको पता ही है मैं क्या देती हूँ, बस वो देते रहिए, तो डेफिनेटली ये प्लांट आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत कलर बिखेरेगा। और सच में जब बटरफ्लाईज और बीज इस पर आते हैं तो दिल खुश हो जाता है।
ना चाहते हुए भी आपका कैमरा आपके हाथ में आ जाएगा फोटो शूट करने के लिए, तो इस प्लांट को लगा लीजिएगा। और आई होप कि मैं कितना गार्डन में टाइम देती हूँ ये आपको पता चल ही गया होगा। मेरा डेली 2 से 2 घंटा तो देखिए फिक्स है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और वो ज्यादा भी बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन। जब मैं ज्यादा काम कर रही होती हूँ अपने टेरिस पर, जैसे अभी इन दिनों में पॉट फिलिंग का काम कर रही हूँ, तो ज्यादा टाइम हो जाता है, बाकी 1 घंटा तो फिक्स है ही है, देखिए वो तो कहीं नहीं जाता। और मैं अर्ली मॉर्निंग खत्म करने की कोशिश करती हूँ सारे काम को, जिससे कि तेज धूप में प्रॉब्लम ना हो, तो ये मेरा रूटीन रहता है और इसीलिए सारे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं क्योंकि मैं खुद उनकी केयर करती हूँ। तो अगर आपने घर में माली लगा रखा है तो माली का साथ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, उम्र का भी होता है तकाजा और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। बट कोशिश करिए गार्डन में कुछ कुछ काम अपने आप करने की, जिससे कि आपको एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके जब प्लांट्स हेल्दी होंगे तो नेचुरल है, वो तो किसको पसंद नहीं आता है। तो बस मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ कि आप अपने गार्डन, जो भी आपके पास टेरेस पर या बालकनी में जगह है, आप अपने सारे पेड़ पौधे लगाएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें उगाने की जो खाने में काम आती हूँ। देखिए हल्दी कितने अच्छे से तैयार होने शुरू हो गई है, बैंगन पर बैंगन तो आया है, लेकिन साथ में देखिए ये भी लाया है, तो इसको हटाऊंगी, देखिए कितना जबरदस्त अटैक है। तो ये होता है थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटा पौधों से और देखिए ये ब्लंडर हो जाता है, और ये विद इन 1 डे या 2 डेज में हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता है फटाफट फैलने में। तो ये चीजों का ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप अपने गार्डन में खुद काम करेंगे। तो बस मेरे आइडियाज पसंद आते हो तो प्लीज फॉलो कर सकते हैं चैनल को, तो खुद अपने गार्डन में काम करना स्टार्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।